क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और खुद डॉक्टर होते हुए भी वो लोगों की सेवा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कोविड में बहुत बढ़िया काम किया। विनोद जी ने भी बताया कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा की। जाहिर है कि एक तिरंगे का सिपाही होने के नाते मैं अपने आप को तिरंगे का सिपाही समझता हूँ, वे भी मेरे तिरंगे का सिपाही है। ये पूरे हलके में लोगों की ये ज़रूरत थी, एक ऑफिस हो, लोग आपकी आके अपनी बातें करें, समस्या जो है उसकी चर्चा हो, बाकी चाहे कॉरपोरेशन की बात हो चाहे और भी कोई बात हो। जाहिर है कि पानी और रोड की जब समस्या आती है तो कॉरपोरेशन की बात आती है, लेकिन और भी कोई समस्या अगर है तो भी हम बैठे हैं। मैं खुद विधायक हूँ, ये खुद विधायक रह चुके, माड़ा के चेयरमैन रह चुके, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कार्यकर्ता अगर ताकत से खड़ा रहता है तो उसको सपोर्ट करने का काम मैंने पूरी ज़िंदगी में किया है। मैंने भी कांग्रेस के तिरंगे का सिपाही, मैं जब कॉलेज में था तब से आज तक 40 साल हो गए, और जाहिर है कि ये सारे लोगों को मैंने, इनसे तो मेरा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से है, तकरीबन 25 से साल तो डेफिनेटली हुए हैं मेरे पास आया करते थे, और हमारी तब से एक दूसरे से एक अलग रिश्ता है। आज वो एक कार्यकर्ता होने के नाते वो काम करने के लिए ऑफिस खोला है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस कार्यालय से लोगों के बहुत सारे काम जो है हो जाएंगे, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। तो भाई आपको कितना विश्वास है नरेंद्र जी पर कि जनसंपर्क कार्यालय तो खुलते हैं लेकिन उससे जो यहाँ की जनता है उनकी समस्या भी सॉल्व होगी इस कार्यालय से? कार्यालय खुलने के पहले उन्होंने सेवा शुरू कर दी है। पानी की समस्या कार्यालय खुलने तक ही इंतज़ार नहीं किया। अभी जो बात कह रहे थे जहाँ चेन स्नैचिंग होती है, जहाँ जब अंधेरा होता है रात को मुंबई में क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हो, लोग आते जाते हैं, महिलाएं खास करके आती जाती हैं, तो उन्होंने लड़के उन्होंने वहाँ 25 जो ये हैं पोल्स उसकी सैंक्शन उन्होंने ली है और वहाँ भी अभी ठीक ढंग से उजाला होगा। तो ये ऑफिस खुलने के पहले उजाला हुआ है, ऑफिस के बाद तो ज्यादा उजाला होगा, ज्यादा काम होगी। भाई आने वाले महानगर पालिका चुनाव में नरेंद्र जी को मौका मिल सकता है इस बार? नहीं, ये तो ऐसा है कि मैंने पूरे मुंबई में एक सर्वे किया है और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी को शायद उसको 4-5 महीने हुए और मैंने सबसे पर्चे मांगे थे। आपको ताज्जुब होगा कि तकरीबन 1200 से ज़्यादा पर्चे आए थे, उनमें से कांग्रेस पार्टी का जो एक ये होता है फीस होती है वो भर के 772 पर्चे मेरे पास अभी इस वक्त है। 227 की अगर मैं वार्ड की बात करूं तो 772 इस वक्त मेरे पास है, उनमें उनका भी एक पर्चा है। तो इस वक्त ये वक्त ये नहीं है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, इस वक्त हम सारे लोगों को मिलके ये जो आज मुंबई को सारा लूटने का काम हो रहा है, खास करके मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है लेकिन नई सरकार जो 50 खोके सब कुछ ओके वाली सरकार है, उन्होंने 42 करोड़ कॉरपोरेशन से वहाँ से ले लिए हैं। सिर्फ किसके लिए लिए है? उनकी होर्डिंग लगाने के लिए। ये आरोप नहीं है, ये मैंने आरटीआई में मैंने ये दिया था और ये मुद्दा आरटीआई से मुझे मिला है, तो ये सरकारी आंकड़ा है और कितने पैसे लिए मुझे मालूम नहीं,
पर इतना जरूर है कि इनका ध्यान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए थे जब मुंबई में, कोविड के दौरान नहीं आए, वहाँ उत्तर प्रदेश में लाशें जो कुत्ते खा रहे थे तब नहीं गए, पर मुंबई में आए और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के 88 करोड़ रुपया जो डिपॉजिट है, 88,000 करोड़ रुपया, उसका उन्होंने जिक्र किया। मुझे ताज्जुब इस बात का है, देश का जो ये चलाते हैं, देश चलाते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं है। देश ने क्या दिया, ना कोविड में कुछ मिला, इतने तूफान आए, खास करके महाराष्ट्र में 3 तूफान आए, एक भी पैसा केंद्र ने नहीं दिया, और यहाँ आके जो इतने सालों से पैसे जो डिपॉजिट हैं 88,000 करोड़ रुपया, उसी की बात उन्होंने किया। और शायद ये सरकार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी इन्हें ज़्यादा अनुभव रहेगा, क्योंकि वो रह चुके हैं, कॉरपोरेशन में रह चुके हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं। मैं कॉरपोरेशन से चुन के आता था पर मैं विधानसभा में हूँ। ये पहली दफ़ा ऐसा मैंने देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर फुल फ्लेज बजट इस तरह से करते हैं, और वो भी 52,000 करोड़ रुपये का बजट एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, मुंबई के लिए ठीक नहीं है। मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है या जो भी बातें हैं, वो होनी चाहिए, पर वो ढंग से होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान है उसके तहत हर चीज़ होनी चाहिए, हम इसी तरह से करते आए, होनी चाहिए, यह हमारा कहना है। बताइए, वो कांग्रेस में मैं इस एरिया में MLA रह चुका हूँ, मैं इस एरिया में कॉरपोरेटर भी रह चुका था, तो पारिवारिक संबंध है और रहेंगे, ये कोई भाजपा वाले नहीं, कांग्रेस वाले हैं, वो कोई पीछे से कुछ करने वाले नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए उनको शुभेच्छा देने के लिए। और आप मेरे गुरु हैं तो आप मेरे इस कार्यक्रम में अवश्य आना है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम कार्य करते आए हैं, हमारे लिए हमारा शिष्य अगर कोई कार्य में बढ़ने वाला है तो उसको सदा ही हम आशीर्वाद देने के लिए सदा तत्पर साथ में रहते हैं, और जो हमारा हाथ रहता है वो हाथ आने उनके साथ है। काम अतिशय अच्छी तरीके का है, इनका काम ऐसा है कि 75% चार्ज इनका ये लेसी करते आए हैं, 25% में अपना कारोबार चला रहे हैं। मैंने इनको एक ही कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि सारे हॉस्पिटल के लोगों को आज मेरी बात सुनने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा, अरे 75% डिस्काउंट अगर नरेंद्र जी दे रहे हैं तो मैं आज ही उनको बोला कि भाई एक नया हॉस्पिटल आपको जल्दी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 75% लेस करके आप काम कर रहे हो, मतलब जनता का काम कर रहे हो, और हम लोग तो जनता के सेवक हैं, हम लोग जनता के लिए कर्म करते आए हैं, और हमारे सनातन में यही चीज स्पष्ट है कि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद दो। कि मैं पहले भी टार करता रहा हूँ और जनता के हित में जो काम होंगे उसका मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ, काम जरूर करूँगा। और मेरा एक मानना है कि इसके साथ साथ यहाँ की जनता मुझे समर्थन देगी, बिना जनता के समर्थन के काम करने में तकलीफ होती है। और दूसरा, सभी जो BMC वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अडानी वाले, सबने काफ़ी मुझे सहयोग दिया है, और सभी डिपार्टमेंट जो भी डोमेन से रिलेटेड हैं वो सब ने इनडायरेक्टली मुझे बोला हुआ है, जैसा आपकी कोई भी फाइल आईडी कहीं से भी आईडी, हम आपको सब काम करने में मदद करेंगे। आज यहाँ पर पहुँचे थे जिस तरह से उन्होंने रिबन काट के इसकी ओपनिंग हुई है, आपके वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद, अगर चुनावी मैदान में आपको उतारते तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ऐसा भाई जगताप जी जो आए थे उनको तो मैं 25-30 वर्ष पहले भी मिला था, और उनके साथ उनके गांव में जब भी वो सिर्फ यूनियन लीडर थे उस समय भी मैंने मेडिकल कैंप किया, मेरा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ गया था। तो भाई जगताप जी से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, वो मेरे घर पे भी आ चुके हैं, और कोई भी इस क्षेत्र में अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो कोई भी यहाँ का कोई भी नरसिंह लड़ना चाहेगा तो मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग
या 40 नहीं है जिसमें कि मुझे पब्लिक नहीं जानती है। तो नरेन जी इस जनसंपर्क कार्यालय में खुद उपलब्ध होंगे जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के? हाँ, मैं 1 घंटे लिए दोनों टाइम यहाँ मिलने वाला हूँ, बाकी टाइम पे मेरा स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा भी अभी किसी को यहाँ मैं नहीं मिल पाया तो मेरा हॉस्पिटल नेक्स्ट बिल्डिंग में ही है, तो वहाँ भी पब्लिक आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यालय का टाइमिंग वगैरह कुछ बता देते? टाइम बाद में डिसाइड होगा।